झारखंड में एक विवाद हुआ था कि एक दुकानदार ने अपने दुकान के आगे हिंदू लिख दिया था और विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऑथराइज या जो भी, तो उस पे इशू हुआ, किसी ने ट्वीट किया, झारखंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कोई धारा लगा के। मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जिन लोगों ने अपनी दुकानों के आगे मुस्लिम, मुसलमान, इस्लाम, ये सब चीज़ें लिखवाई हुई हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये पुलिस का ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? सरकार के अगेंस्ट जनता को एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या बात हुई? अब भारत में रह के किसी ने हिंदू लिख दिया तो तुम उसको अरेस्ट कर लोगे? झारखंड हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को खुद सुओ मोटो लेना चाहिए इसके अगेंस्ट। ये जो सरकार कर रही है, झारखंड सरकार, ये बिल्कुल गलत। जो BHU है उसमें भी हिंदू है, उसमें उसको भी हटा देगा फिर आदमी कल को, फिर हटाना चाहिए ही। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसमें से भी मुस्लिम या तो हटवाओ या तो पूरी यूनिवर्सिटी बंद करो। मुझे लगता है इतनी कड़ाई किसी इस्लामिक कंट्री में भी है कि आपने कहीं कुछ हिंदू लिख दिया तो उसको बैन कर दिया या अरेस्ट कर दिया। जिसकी नींव हिंदुत्व है, जिसके कण कण में हिंदुइज्म है, उसको आप हिंदू लिख देने से आप अरेस्ट कर लेते हो, तो ये सबसे बड़ा पाखंड है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, जनता को थोड़ा जागरूक होकर इसके अगेंस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखनी चाहिए, सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए कि जो हुआ वो अनएक्सेप्टेबल है और इलीगल भी है। ये सरकार के दोहरे चरित्र को एक्सपोज करता है। अगर ये चीज़ें और सरकारों ने अपने एजेंडे के तौर पे प्रेरित होकर करने लग गए, तो अगर वहाँ पे कोई BJP सरकार नहीं है तो वहाँ पे हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स फिर शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि कब क्या एक्शन लेना है, कब कहाँ स्ट्रिक्ट हो जाना है। आप लोग चुप रहते हैं तो आपका फ़ायदा उठाया जाता है, और हिंदुस्तान में हिंदू शब्द लिखने पर अरेस्ट किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।